पहले जो कांग्रेस सरकार में फीस बिल्कुल माफ़ करी गई थी, कोरोना काल जब आया तो बीजेपी सरकार में भी बंद रही पहले, लेकिन जब कोरोना काल के दौरान उसके बाद या फिर 2% फीस लगा दी, ईवन ने कह दिया एक मुश्त का फीस जाओगी, जो कि पूरे साल की एडवांस पिछले साल के माफी के रेशो ठैक है उसमें 15% बढ़ेगी हर 3 साल। वहाँ जैसे फैसला होगा, जैसे वो आदेश करेंगे उसके बाद ही फिर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा मेन मुद्दा एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स अगर खत्म कर दिया जाए हमारा कोई टकराव नहीं किसी बात कोई, हम जाते भी अपना इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए अपना, ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और किसी का नुकसान ना हो। बस हरियाणा में मार्केट फीस लगाने के विरोध में उतरे सब्जी मंडी के आढ़तियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी है। शनिवार सुबह से ही प्रदेश भर की सब्जी मंडी में आढ़ती हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से दिल्ली व अन्य प्रदेशों में आने वाली सब्जियों की गाड़ियां जो हैं नहीं पहुंच पाई। हालांकि हड़ताल का आज पहला दिन था, लेकिन ज़्यादा किल्लत होती नज़र नहीं आई। आज पानीपत में भी जो है हड़ताल रखी गई। दरअसल हरियाणा में एडवांस टैक्स को लेकर प्रदेश की सब्जी मंडी एसोसिएशन व सरकार के बीच वार्ता सिरे नहीं चढ़ पा रही, जिसके बाद आज प्रदेश भर की अधिकतर सब्जी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान जो है कर दिया गया। सुनिए क्या कहना है इनका। ये मेन मुद्दा तो है हमारा फीस का, पहले जो कांग्रेस सरकार में फीस बिल्कुल माफ़ करी गई थी, कोरोना काल जब आया तो बीजेपी सरकार में भी बंद रही पहले, लेकिन जब कोरोना काल के दौरान उसके बाद या फिर 2% फीस लगा दी गई, उसके बाद भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भाई एक चीज़ फ्री थी, 2% होगी, जमींदारा की भी दिक्कत हुई, व्यापारी का भी दिक्कत हुई, वे दोबारा से लागू होगी तो ई वो चलो वो भी सहन सकती ही चल रही थी जैसे तैसे करके, ई भी ने कह दिया एक मुश्त का फीस जाओगी, जो कि पूरे साल की एडवांस पिछले साल के माफी के रेशो ठैक है उसमें 15% बढ़ेगी हर 3 साल, 15% और एक पर है उसमें लिखी भी जाओगी, जो कि अमीन के जो अधिकारी हैं इन तरफ ये नहीं देंगे, दिए फालतू लिखेंगे और वह फालतू लिखी जाएगी अति फिर उसके हिसाब से फिर चार्ज करेंगे। हर हफ्ते तो फीस भरी नहीं जाती सोमवार के सोमवार, एक साल की एडवांस की दी जाओगी वहाँ। अर्जुन सिंह अपने अपने मानक हम अधिकारी हम साफ सुथरे हैं, इन जोर गाड़ी में 250 कट्टे आलू गया ना उसमें 4 डाल का आलू आवा है, कट्टा फटा भी आवा खेत में एक डाल का तो नहीं होता, ये पीछे ना दे तेन 250 ए वन लिखे हैं। फ्रूट की गाड़ी में मन मानो उसमें एक किन्नू आ गया उसमें किन्नू 4 डाल का आवा है, फर्स्ट क्लास का लिखेंगे अगर जो पीछे ना दे तो, और बोल रहे हैं जो इनका उल्टी बात का जवाब दे तो नू कह मेरे सरकारी ड्यूटी पर भी हूँ, सरकारी ड्यूटी की भी धमकी है। तो इस प्रकार की पहले भी की गई थी तो क्या निचोड़ निकला? भाई पहले तो दिन है एक दिन करी थी, उस दिन चेतावनी दी थी भाई देख लो आज जैसे आज नहीं तो अग भी हो जाएगा। हरिबाज हमारी एक कमेटी है जो 14 आदमी आ गई वह चंडीगढ़ है, सीएम हाउस पर थोड़ी घनी देर में 5-10-20 मिनट पहुँचने वाली है, वहाँ जैसे फैसला होगा जैसे वो आदेश करेंगे उसके बाद ही फिर फैसला लिया जाएगा हरियाणा का। तो कुछ रेडी वालों को प्रधान जी ये भी कहना है कि अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो उन्हें पहले बताया जाए, वो सब्जी वगैरह ले आते हैं फिर बाद में खराब निकलती है। उनको आज पूरा दिन की खुली छूट दे रखी, उनको नहीं रोक क्या किसी ने? आड़ती अपने बंद कर रहे और नुकसान तो हमारे जो जमींदार हैं उनका है, जो हमारे व्यापारी हैं उनका नहीं है। वह नुकसान तो कोई भी चीज़ बंद होगी तो नुकसान तो सभी का है उसमें, 500-400 आदमी उड़े ई रिक्शा टेम्पू जो चला रहे हैं, 1000 आदमी पल्लेदार हैं, कोई किंग तैयार है, कोई किंग तैयार कुमान खान तैयार ही हैं, ये सारे ठाली तो बैठे हैं नुकसान, और हमने इस बात का नहीं, टोटल का टोटल नुकसान है। तो क्या निचोड़ निकला लास्ट में अगर सरकार ये बात नहीं मानती आपकी? नहीं मानती तो मार गए 2 दिन में ताले रोड इनके दफ्तर में दरिया तो मैं चला लो ना जुगर चल दो मारे तो चल दी नहीं है। तो ये पूरे हरियाणा में क्या जाएगा? हाँ पूरे हरियाणा में एक दो मंडी मारे से भाई हैं वो कुछ परसेंटेज उन मनराज हैं उनको भी मना लिया जाएगा। फिर कोई सरकार से टकराव नहीं है, हम तो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं बस। नहीं एडवांस टैक्स का मेन मुद्दा एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स अगर खत्म कर दिया जाए हमारा कोई टकराव नहीं किसी बात कोई, हमको सरकार से टकराव थोड़ा चाहते हैं, हम तो अपनी मांग रखी हुई है हमें और जायज़ मांग है हमारी, हम जाते भी अपना इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए अपना, ताकि व्यवस्था बनी रहे
और किसी का नुकसान ना हो बस। सर, इस प्रकार की हड़ताल चलती रही तो गरीब लोगों में क्या? उसमें सबका नुकसान है, हमारा खुद का नुकसान भी है, पब्लिक का नुकसान तो है ही, पब्लिक भी परेशान होगी, सरकार भी परेशान है, हम लोग भी खुद भी परेशान है। किसान भी परेशान है, बिल्कुल, किसान भी, जमींदार जो भी है और रेडी रिक्शा सब परेशान है। इससे कोई इसका फायदा नहीं है किसी भी पक्ष को, ये तो सिर्फ हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें संगठन के साथ चलना पड़ रहा है। बता दें कि 21 दिसंबर को भी आरतियों ने मार्केट फीस और HRDF वापसी की मांग पर हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। आरतियों का कहना है कि उनकी दो मांगों के लिए वे पहले भी सरकार के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते जो है दोबारा वो हड़ताल पर चले गए हैं। सुनिए इनका क्या कहना है। यो आरतियों ने कर रखी, इसमें आरतियों का फायदा है जो अपनी मार की फीस जमा करते हो गए हैं, छुटवाना चाहिए। नुकसान हमारा है, हम रेडियो वाले मजदूर आदमी हैं, 500-400 रुपए कमाते हैं, अब बंद हुआ है, पड़ा माल पड़ा है, इसमें सब कुछ बंद है, ये खराब होएगा, सड़ेगा, नुकसान हमारा है, तो हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। कहाँ से आते हो? हम यूपी से आते हैं, यूपी के। यूपी से आने के बाद भी यहाँ पर ये बंद है, परेशान है जी, परेशान है जी, बहुत बाबू जी, सुबह से चाय तक नहीं मिली, जब चाय की दुकान भी बंद है, हमारे से कोई बात नहीं करते, रेडियो वाले को कौन आरती बात करेगा, तो अपने फायदे के चक्कर में लग रहे हैं। तो इसका गरीब लोगों पे क्या प्रभाव असर है? उनका किसानों की सब्जी सड़ी, कहाँ बेचेंगे जो पूरा रहने बंद करवा रखी है सब्जी, और यहाँ रेडियो में माल बच रहा है, कहाँ से बेचेंगे? 500-400 कमाते हैं, भी खत्म करवा रहे हैं, 15 दिन हम काम करेंगे यहाँ, हमारा तो एक दिन में फर्क पड़ता है, एक दिन भी बंद हो जाए कहाँ से खाएंगे, फिर घर में बच्चे भी है, सब कुछ है। हड़ताल के कारण लोगों को सब्जी मिलने में परेशानी तो होगी ही, वहीं सब्जियों और फलों के रेट जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। बीते वर्ष 21 दिसंबर को ही हड़ताल के कारण भी लोगों को सब्जी और फल मिलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।